नमस्कार, निधिगर कलाकृति में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ इम्पोर्टेंट किचन टिप्स लेकर के, पर आज के किचन टिप रिलेटेड है मॉनसून या बारिश के मौसम से। कई जगह बारिशें शुरू हो गई हैं और कई जगह बारिश आने वाली है। ऐसे मौसम में अक्सर सामान में कीड़ा लग जाता है या बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं, तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ टिप्स प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो जब आप घर में पोंछा लगाएं और किचन में पोंछा लगाएं, तो उसमें 2 चम्मच नमक डाल के पोंछा लगाएं। ऐसा करने से आपके रसोई में, आपके घर में चींटियां नहीं आएंगी। इवन जब आप स्लैब की सफाई करें या अपना माइक्रोवेव या अवन साफ करें, तो डिटर्जेंट के अंदर 1 चम्मच नमक मिला करके उसकी सफाई करें। ऐसे से उसमें से कीड़े नहीं होंगे। बरसात में चींटियाँ जो हैं वो चीनी के डब्बे में अक्सर पहुँच जाती हैं। जरा अभी ढक्कन ढीला हुआ और चीनी अंदर, ऐसे में आप उसके अंदर 3-4 लौंग डालिए, जिससे कि चींटियाँ चीनी के डब्बे में कभी एंटर नहीं करेंगी। दालों में अक्सर बरसात में कीड़ा लग जाता है, तो आप जैसे ही दालें बाजार से लाएँ, या तो उन्हें धूप में सुखा लें एक बार उनको डब्बे में रखने से पहले, या फिर आप उनको ड्राई रोस्ट करें। ड्राई रोस्ट यानी सिर्फ पैन में दाल को डालें और 5 मिनट तक उसको हल्की आंच पर रोस्ट करें। जब वो सिक जाए 5 मिनट के बाद उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें। आपकी दालों में कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। इमली लाते हैं बाजार से और इमली कुछ दिनों के बाद काली पड़ जाती है या उसका स्वाद बदल जाता है। अब की बार जब आप इमली लाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दें। ऐसा करने से आपकी इमली जो है वो लंबे समय तक सेम कलर सेम टेस्ट देती रहेगी। अब बात करते हैं मसालों की। अक्सर मसालों में भी, यानी मिर्च हो, पिसा हुआ धनिया हो, इनमें भी कीड़ा लग जाता है। अगर आपने भून के पीसे हैं तब तो इट्स वेल एंड गुड, पर अक्सर हम बाजार से अगर पिसा पिसा है मसाला लाते हैं, उसमें भी बरसात में छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े हो जाते हैं। तो आप अगली बार ऐसा करें, साबुत नमक के डले, चाहे वो काला नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, लाहौरी नमक हो, आप उसके पीसेस उन मसालों के डब्बों में डाल दें। ऐसा करने से आपके मसालों में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको साबुत नमक नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल नमक भी अपने मसालों में मिला सकते हैं। और ध्यान रहे, जब आप सब्जी बनाएं तो नमक का प्रपोर्शन उसी हिसाब से रखें, क्योंकि आपके मसाले में ऑलरेडी नमक है। चलते चलते एक टिप और। अगर आपका मिक्सी का ब्लेड ब्लंट हो गया है, तो 2 चम्मच नमक डालें और मिक्सी को चला दें। ऐसा करने से आपका नमक, आपका ब्लेड जो है वो शार्प हो जाएगा और इस नमक को फेंकिएगा नहीं, इसको फिर इस्तेमाल कीजिए। आशा है ये टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एंड यू विल ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल निधिगर कलाकृति। स्टे फिट, स्टे सेफ। थैंक यू।